सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी अज दे पावन पवित्र उपदेश अंदर सानू जीवां नू जो ये सोहना शरीर परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु जी ने सानू सबना नू दिता है, इस सोहने शरीर दे अंदर वाहिगुरु जी ने अपनी जोत अपना नाम टिकाया ते अज साहिब पातशाह जी सानू अपने अंदरों उस वाहिगुरु जी दे पवित्र नाम रतन नू लभण दी बहुत प्यारी जुगत सिखाउणगे। आओ भाई साहिब जी दी रसना तो एक एक पंक्ति श्रवण करके सच दा उपदेश अपने हिरदे विच टिकाउण दी कोशिश करिए जी। पौड़ी पौड़ी काव्य रूप है जिस दा अर्थ भाव उच्चे आत्मक गुणा दी प्राप्ति लई सहज अते सुखाला साधन। पौड़ी अज गुरु पातशाह जी सानू उच्चे आत्मक गुणा दी प्राप्ति लई बेहद सौखा ते सरल तरीका समझा रहे हन। आपी पिंड सवारी विच नव नित नाम। आपे पिंड सवारियोन, सवारियोन भी सवारिया, रमैया के गुण चेत प्राणी, गुण चेते का रमैया रमिया होया सर्व व्यापक परमात्मा जो सारियां दे अंदर वसदा है, अंदर वसदे परमात्मा दे गुणा नू चेते कर। रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी, कवन मूल तेरा मूल की है ते तू हुण दिसदा की है, तेरा आकार की है, मूल तेरा की है ते अज तेरी बनावट जो है, जो अज तेरा मूह महांदरा है ए मूह महांदरा तेरा की है। रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दृष्टानी, दिसदा तू की है। अगे कहन लगे जिन तू साज सवार शिंगारिया, तैन ससे तैनू साजिया, ससा साज ससा सवार ससा शिंगार, जिन तू साज सवार शिंगारिया, जिसने तैनू साजिया फिर सवारिया। अज जो वचन आया साहिब जी ने कहा आपे पिंड सवारियोन, उस मालिक ने परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु जी ने तैनू ये शरीर सोहना सुंदर शरीर सवार के दिता है, सवार के दिता है। जिन तू साज सवार शिंगारिया ते शिंगार भी तैनू दिता, तेरे शरीर का सोहना शिंगार बना के भी भेजा। जदों इस शरीर की घाटत वाहिगुरु जी ने घड़ी, जदों वाहिगुरु जी ने देखिया भी हुण इहदे विच कोई कमी नहीं है, हुण इह बहुत सोहना बन गया, तां तैनू इस संसार ते भेजिया, बहुत सोहना बना के बेहद सोहना। जदों वाहिगुरु जी नू
तेरे इस शरीर की घाड़त पूरी पसंद आ गई, सोहना तू बन गया, तां तैनू संसार च भेजिया है। जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्व अगन मैं जिन्हें उभारिया। माता दे गर्व दी अग विच उस परमात्मा ने अपने हुक्म नाल अपने नाम नाल जोड़ के तैनू बचाया, उस अग च तैनू सड़न नहीं दिता। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करतै खेल रचाया। जात इस भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हार विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया, तिन्नी विचे माया पाया। हुण साहिब पातशाह जी सानू प्यार नाल अज समझाउंदे आ, प्यारिओ आ सोहना सुंदर शरीर सवार के आप वाहिगुरु जी ने संसार ते तैनू भेजिया है, तैनू भेजिया है। जिवें माता पिता छोटे बच्चों आप शिंगारदे आ, जिहड़ा छोटा बच्चा मैं गल करदा छोटे बच्चे की, छोटे बच्चे नहीं पता भी मैं किहड़े कपड़े पाउणे आ। मां जानदी है भी मैं अपने बच्चे नूं किवें सोहना बनाउणा। एक बड़ा प्यारा वाक है, बच्चे बने रहांगे तां बचे रहांगे, बड़े हो जावांगे तां बड़े जावांगे। बच्चे बने रहांगे तां बचे रहांगे, बच्चों नूं गलतियां माफ हो जांदियां, बच्चों दी गलतियां माफी योग ने। पर जदों वड्डा हो जांदा है फिर कहिंदे वी हुण तूं बच्चा नहीं रहा, फिर शब्दावली साडी इह हुंदी है वी हुण तूं बच्चा नहीं, हुण तूं वड्डा हो गया, हुण तेरी गलती माफी माफी नहीं मिलनी हुण तैनू। तां साहिब पातशाह जी सानू प्यार नाल समझाउंदे ने, प्यारिया उस वाहिगुरु दे गुणां नूं चेते कर, रब जी दे गुणां नूं याद कर, उन्हें तैनू सोहना शिंगार के इस संसार ते भेजिया है। आपे पिंड सवारियों विच नवनिध नाम, इहदे विच नौ निधियां दा खजाना परमात्मा का नाम रख्या है, विच रख्या है। देही मैं इसका विश्राम, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। गुरु जी ने दसिया अपन भी नाम आ जिहड़ा ओ परमात्मा ने तेरे अंदर टकाया होया है। नाम के धारे सगले जंत, जिन्ने जी जंत ने उन्हां सारियां नूं परमात्मा दे नाम दा सहारा, जिहड़ा परमात्मा दा नाम उन्हां दे अंदर है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे इहदा आसरा इहदा अर्थ है बई सारे जीव ने जिन्ने ओ परमात्मा दे नाम दे सहारे ने, सब नू नाम दा सहारा है। ते गुरु जी ने आपां नू दस्या भी नाम तेरे अंदर है, नौ नित अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। बहुत प्यारा उपदेश साहिब जी का,
पंच तत् मिल काया कीनी, पंच तत् मिल काया कीनी, तिसमें राम रतन लै चीनी। आत्म राम, राम है आत्म, आत्म राम, राम है आत्म, हर जियो शब्द मिलावा, हर जियो शब्द मिलावा। गुरु पातशाह जी कहन लगे, भाई आ तेरा जेड़ा शरीर है ये पंजां तत्तां दा बनिया है, पंच तत् मिल काया कीनी, तिस विच मैं दा अर्थ विच, मम्मा हाहे प्यारी मैं, तिस विच इस शरीर विच राम रतन लै चीनी। चीनी का अर्थ है पछाण कर, चीन पछाण कर। इस दे अंदर परमात्मा का नाम है ते तू उस नाम नू पछाण। आत्म राम, राम है आत्म, हर जियो शब्द मिलावा है। आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्म राम, राम है आत्म, पोत पोत ने, ताना पेटा ने, जिमें समुंदर दा पानी ते बूंद एक ने, पर उनु आपा बूंद कहने उनु समुंदर कहने। पानी तो समुंदर च भी उही है, पानी छप्पड़ां दे विच भी उही है, टोबियां च भी उही है, नदियां नालियां च भी उही है पानी, उनु आपा बूंद कहंदे हां ते उनु आपा समुंदर कहंदे हां। सहि पातशाह जी सानू प्यार नाल समझाउंदे ने, आत्म राम, राम है आत्म, जीवात्मा परमात्मा का रूप है, परमात्मा जीवात्मा का रूप है, आत्मा परमात्मा है, परमात्मा आत्मा है, कहो कबीर हम राम की अंश। असी सारे जाने परमात्मा की अंश हाँ। हुण साहब जी कहन लगे, पर परमात्मा तैनू मिलेगा कि परमात्मा दे मिलाप का साधन की है? परमात्मा दे मिलाप का साधन है शब्द, परमात्मा दे मिलाप का साधन शब्द है, शब्द। तो शब्द की है? ज्ञान है, अखरां द्वारा ज्ञान हुंदा ना, गुरु जी ने अपन समझाया सी, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरी ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा दे गुण गा, परमात्मा दे गुण गा। अपना सारिया का दुनियावी विद्या ते किन्ना जोर लगता है, बच्चों असी कहने भी महंगे तो महंगे, चंगे तो चंगे स्कूल विच अपनी हैसियत तो वध के आपां बच्चों नूं पढ़ाउण की कोशिश करते हैं भी बच्चे चंगी तालीम लै लैन। इस गल पक्कों असी जागृत हाँ, जागे हुए हाँ, पर जो रूहानियत का पक्ष है, जो धर्म की रोह रीत है, इथे असी पछड़ गए, बहुते पछड़ गए। सारे की नहीं मैं गल करदा, सारे नहीं, बहुते बहुते पछड़ गए इस धर्म की रोह रीत को अपनाने। दुनियावी विद्या प्राप्त करने लई मैं सुचेत हाँ, मैं जतन करता हाँ, मैं अपने सारे साधन वरतदा हाँ, पर जदों रूहानियत की गल आउंदी है तो फिर असी कहने चल आपे सिख जू, आपे बाणी पढ़न लग जू। नहीं प्यारियो, जिमें आपां दुनियावी विद्या बच्चों नूं देण लई अपने अंदर एक प्रेरणा है, उस प्रकार की प्रेरणा धर्म की रोह रीत अंदर भी साढ़े अंदर हो, साडे अंदर चिणग होवे भी बच्चे बाणी के उपदेश नूं जानन, समझन, ते अपनी जिंदगी की रोह रीत नूं
उस दे अनुसार ढालन। आपे पिंड सवारियों विच नवनिध नाम, परमात्मा ने आप ही ये साडा शरीर है जिहड़ा ये सवारिया है, ते इहदे विच परमात्मा ने अपना नाम भी रखिया है। हुण नाम की प्राप्ति का साधन सानू दस दिता भी नाम की प्राप्ति तैनू तद होएगी जब तू शब्द नू विचारेगा। बारंबार साहिब पातशाह जी सानू यह गल दृढ़ कराउंदे ने भी शब्द की विचार तो बिना तेरे जीवन की सच्यार घाड़त नहीं कड़ी जानी। जे तू सच्यार बनना चाहता, जे तू झूठ की कंध ढाउणी चाहना है, तो तैनू आप शब्द की विचार करनी पेगी। आप गुरु पातशाह जी ने बड़े प्यार नाल गल सानू समझाई। एक वचन सतगुरु जी का आपां सांझा करदे हाँ। आपां सारे जने पढ़दे हाँ, राणा राओ ना को रहै रंग न तोंग फकीर, वारी आपो अपनी कोए न बंधै तीर, रा बुरा पिहावला सर डूगर असगा। रा बुरा, बुरा राह है, भैड़ा राह है, राह बुरा पिहावला, पिहावला का अर्थ होता डरावना, डरावना राह डरावना है, जंगली राह जिहड़े अगे पुराने समय दे विच, हुण तां जंगली नहीं रहे, सड़कां बन गई सारे पासे, हुण तां गड्डी च शीशे बंद करके बैठ जाओ, कहिंदे की डर है, कोई खौफ नहीं। राह बुरा पिहावला, अगे पुराने समयां दे विच इस तरह हुंदा सी वी जंगली रस्ते तों जदों गुजरना तां उह कट्ठे हो के लंघदे वी तां कि जंगल दे विच कोई डाकू लुटेरे उहनां नूं लुट ना लैण। इस तरह दीआं घटनावां वापरदीआं हुंदीआं। गुरु जी कहिंदे वी इह जिहड़ा रस्ता जिंदगी दा इह सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इहदे रस्ते दे विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये जड़े पांच डाकू ने, ये आत्मक पूंजी है जड़ी, उन्हों लुटन दे लई सदा ही ताक च रहिंदे ने, सदा ही ताक च रहिंदे ने। ज्यों ही इहदी कोई कमजोरी देखी इन्हां डाकुआं ने उसे टाइम ही इहदे ते हमला कर देना। देखो डाकू देख रहे ने अजे उन्हां दी ताक च इहदी कमजोरी कोई आई नहीं, ज्यों ही उन्होंने इहदी कोई कमजोरी देखी तुरंत उन्होंने हमला कर देना, इहनूं दबोच लैना, ते बहुते इस तरह मारे जांदे। ताई साहिब जी ने कहा सी आठ पहर आराधिया पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन सतगुर ज्ञान, पूरन पूरा सतगुरु जी का पूरा ज्ञान, पूरा स्नेहा जो सतगुरु जी सानू देना चाहते हैं, पूरा स्नेहा की धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की समुची बाणी, सारी बाणी एक ओंकार तो आरंभ करते हैं सतगुरु पातशाह जी, ते मंदावणी ते श्लोक महला सुकराना ते उत्थे संपूर्णता है, जिथे इथों तक सारी बाणी है जो ये बाणी गुरु नानक साहब जी का संपूर्ण स्नेहा है। पर बहुतिया ने थोड़ा जिहा तां पढ़िया, जपजी साहब पढ़ी, सुखमणी साहब की बाणी पढ़ी, ते जदों महीने की आरंभता हुंदी है बारहवां की बाणी पढ़ी, कुछ चोणवीआं बाणियां असीं पढ़ियां, पर समुच्चा स्नेहा जो बहुत ही सौखा ते सरल है, बहुत ही सौखा, जदों प्यारे तुसीं सहज पाठ करोगे ना आप, कुछ बाणी दीआं पंगतियां तुहानूं रुकणगीआं, तुहानूं अगे नहीं, तुहानूं तुसीं बाणी सहज पाठ करना आपां सारा, पर वो बाणी दीआं पंगतियां तुहानूं खिच पाउणगीआं, उहनां दे अर्थ तुहानूं नाल दी नाल समझ पै जाणगे नाल दी नाल। इही एक आकंखन कला है सतगुरु पातशाह जी बाणी दी, गुरु दे प्यार दी, बई सतगुरु आप सानू बख्शिश करके साडे हिरदे च वसदा, आप
पर साड़ी रौ रीत की बन गया भी किसे नू बुलाओ ते ओ सानू आके समझाऊगा। देखो असीं की करदे आ, साड़ी रौ रीत की बन गया भी किसे नू बुलाओ जेड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है जेड़ा प्रतिष्ठ है उसनू बुलाओ वो आके सारिआं नू समझाऊगा। गुरु जी ने नहीं कहा सानू, गुरु जी सानू कहंदे बाणी विचारिए जियो, तू आप बाणी दी विचार कर। पर असीं एक जमात खड़ी करती कथावाचकां दी भी ये कथावाचक ने जी ये सानू कथा करके सुनाउणगे जी, एक जमात बनाती। गुरु जी पातशाह जी ने सानू कहा इस वचन नू आपां पूरा करिए तां कि सौख्यां तुहानू सारिआं नू इस गल की समझ लग जाए, पकड़ चा जाए गल, ये मूल है साडा। गुरु जी कहिंदे राह बुरा पिहावला सर डूगर असगा, असगा भी जिन्हों तरके मैं पार ना जा सकता, बहुत ज्यादा बड़ा असगा है, डूंगा भी बहुत है ते विशाल भी बहुत है, संभव नहीं है भी मैं तरके पैर कर तरके पार कर जावा। हुण बहुते जदों प्यार नाल हथ जोड़ के बेनती करदे आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1430 अंग सुन के ते बहुतियां दा मैं कहां शब्द भी बीपी लो हो जांदा है भी इन्नी बाणी इन्नी किवें पढ़ांगे। हुण प्यार नाल सुनना, किसे व्यक्ति नूं आपां कहीए भी तैं भी क्वांटल भार चकना, किसे नूं कहीए आपां भी क्वांटल भार चकना, वो कहे भी मेरी क्वांटल चकन की तो समर्था है नहीं, मैं तो 20-30 किलो चक सकदा सौखे तरीके नाल। हुण 20-30 किलो बना चकाइए आपां कहीए भी नहीं प्यारिया तू 1 किलो ही चक, 1 किलो तो सौखे तरीके नाल ही चकया जाऊगा, हर कोई चक लूगा। इस तरह अपने कोले हुण गुरु नानक बाबा जी का 550 साल प्रकाश दिहाड़ा, अजे 1 साल पूरा पिया 2019, अजे तो आप 2018 वाला मनाना है, 2019 1 साल पूरा पिया, 365 दिनों की जी आप गल करिए 365 दिनों के गुरु जी का समुचा सुनेहा आप समझना ते पढ़ना। 4 अंग रोज दे, किन्ने अंग जी? 4 अंग हर रोज, ते 4 अंग करन नूं समा किन्ना लगता सुनियो प्यार दे नाल। जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के विचों आप जी आरंभता की बाणी है जिहड़ी जपजी साहब, जपजी साहब 8 अंगां ते, 8 अंग ने जपजी साहब की बाणी, कल्ली जपजी साहब की बाणी के किन्ने अंग ने जी? 8 अंग ने, 8। ते जपजी साहब नूं तुसीं देख लो भी किन्ना टाइम लगदा। आपां धीआं पुत्तरां लई सुचेत हां, बच्चों आप इस गल तो मना लिया पुत मैं जपजी साहब का पाठ रोज़ कर, बच्चे मन भी गए, बच्चे करते भी, बच्चे इस रौ रीत को अपनाते भी ने, पर रोकता बच्चों असी क्योंकि असी आप नहीं समझे। हुण आपां इस तो अगे चलीए, बच्चों नूं इह प्रेरणा दईए पुत तू 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 24 घंटिआं दे विचों 10 मिनट गुरु नानक नूं आपां दे, आपां अपने पातशाह नूं दे दईए भी 10 मिनट मेरे पातशाह दे ने, इन्हां ते मेरा कब्जा नहीं है, मेरा कब्जा नहीं है इन्हां, ये 10 मिनट पातशाह दे। 4 अंग सौखे तरीके दे नाल जे तुसीं गा गा के ऐन प्यार नाल रस लै लै के ना पढ़ो तां भी 10 मिनट दे विच 4 अंग हो जाने ने। बोलो सतनाम, सौखा हो गया ना, ऐं आपां सौखा सहज तरीका सारिआं नूं प्रेरणा करके दईए। एक गल मैं बेनती होर आप जी दे चरणां कर देना, मन दे विच इह ख्याल ना लैके आईए भी इह तां जी किसे होर नूं मन्नण वाला है, इह तां जी ठाठ ते जाण वाला है, इह तां जी कुटिया जाण वाला है, इह जी राधा स्वामी है, इह जी सरसे वाला है, इह जी फलाने जाण वाला, किते भी जाण वाला होवे। एक बड़ी प्यारी उदाहरण मैं तुहाडे नाल सांझी करनी है, बच्चा बच्चा खेड रहा अपने खिडौने नाल, बच्चा अपने खिडौने नाल खेड रहा, उस बच्चे नूं ओह खिडौना ओह तों खोहे तों बिना, ओह खिडौना खोहे तों बिना असीं उहनूं कुछ देना है तां ओह बच्चा सहजे ही लै लवेगा।
एक समा आएगा जदों बच्चा उस पहले खिडौने नूं छड्ड के नवे खिडौने नाल भी खेडेगा। आपां ये कार्य करना है पर बहुता जोर साडा दुनिया नूं समझाउण ते लग्या कि वी असीं वी समझा दईए। नहीं नहीं, असीं किसे नूं कुछ नहीं समझा सकते। सानू भी गुरु जी ने समझाया ते सब नूं गुरु जी ने समझाउणा। बस आ गल आपां पल्ले बन लईए। अज जो गुरु जी ने कहा ना आपां नूं, आपे पिंड सवारियों विच नवनित नाम। शरीर दे अंदर है नाम, ते प्रगट करन दा तरीका ये गुरु जी कोले है। जदों गुरु जी कोल मैं बैठांगा, गुरु जी दी बाणी नूं गुरु जी दे शब्द नूं मैं समझांगा, तां मैनूं तरीका गुरु जी ने समझा देना। ये तरीका सानूं कोई व्यक्ति विशेष नहीं समझा सकता। इत्थे बहुतियां दा जोर लग्या पिया, लो जी तरीका समझा। कहिंदे जी नाम सिमरन किवें करना, लो जी तुहानूं कहिंदे सिखाइए, लो जी सिखाइए। नाम सिमरन करना सिखाउणगे, नाम सिमरन करना। कहिंदे किवें नाम सिमरन करना, कहिंदे असीं तुहानूं सिखाउंदे हां। एक प्यारी उदाहरण, अपने घरां दे विच मझां गावां छूंदियां ने, कटड़ू वछड़ू जिहड़े हुंदे आ, वछा कट्टा कट्टी। हुण उहनूं कौण सिखाउंदा है बई तू ऐं दुध पीना, ते फिर अपनी मां दे थले जाणगे, होर पासे नूं नहीं भजदे, अपनी मां कोल नूं भजदे आ। आपां इंसान दे बच्चे दी गल करिए बई आप ही बुल मारन लग जांदा, आप ही दुध पीण लग जांदा, बई असीं उहनूं सिखाया सी। प्यारिया तेरे अंदर भुख होवे, इह तां फसण दीआं विधियां सिखाउणगे सारे जिहड़े सिखाउण वाले ने। इन्हां ने तां फसण दीआं विधियां सिखाउणियां ने बई फसा लैणा। एक प्यारी उदाहरण, एक शिकारी है एक धर्मी बंदा। एक बंदा शिकारी है, एक बंदा धर्मी है। चोगा दोनों कोले है, जवार बाजरा दोनों कोले है, धर्मी बंदे कोले भी आ, शिकारी कोले भी आ। हुण धर्मी बंदा चोगा कादे लई पा रहा है, उहनां नूं जीवन देण लई भी चोगा चुगण, पंछियां नूं जीवन मिले। चोगा शिकारी भी पा रहा है, चोगा उहनां नूं जाल विच फसाउण लई। इह गल नूं प्यार नाल समझणा भी सिखाउणगे विधि सानूं आ के। कहिंदे जी लो ढंग सिखावांगे तुहानूं असीं सिमरन दा। गरीब नवाज सतगुरु पातशाह जी कहिण लगे, प्यारिया तेरे अंदर है परमात्मा दा नाम, ते गुरु ने तैनूं विधि दसणी है। फासण की विद सब को जाने, छूटण की एक कोई इक्को ही विधि है, इक्का बाणी। ਉਹ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਖਾਨ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਵਨਿਤ ਨਾਮ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪੇ ਭਰਨ ਭੁਲਾਇਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਧੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈਨ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਨਿਹਫਲ ਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਆਤਮ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ ਢੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ।
किनू सुन के मन लिया? कथावाचक नहीं, गुरु जी। गुरु जी नू सुनिया, सुन के गुरु जी की गल नू मन लिया, गुरु जी की गल नू मन लिया। हुण कथावाचक इत्थे दस कथावाचक बुला लैने आप, दसां कथावाचकां नू एक शब्द दे दिंदे आ ते एक शब्द की व्याख्या देखियो फिर किवें व्याख्या हुंदी। हर एक ने अपनी बुद्धि मुताबक व्याख्या करनी है। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो वक्खो वक्खरे तरीके नाल व्याख्या करनगे, एक व्याख्या नहीं होएगी। तां गुरु जी कहिंदे वी तू शब्द नू आप विचार, आप विचार। राह बुरा पिहावला सर डूगर असगा, मैं तन अवगुण झुर मुई बिन गुण क्यों घर जा, बिन गुण क्यों घर जा। अगे कहन लगे गुणिया गुण ले प्रभ मिले, गुणिया गुणवान गुण लैके रब नू मिल के, गुणिया गुण ले गुण सत संतोख दया धर्म धीरज ये गुण अपने अंदर धारण करके, गुणिया गुण ले प्रभ मिले। क्यों तैन मिलो प्यार, मैं अपने प्यारे नू किवें मिलां, मैं अपने प्यारे दा प्यार किवें हासिल करां। अगे कहन लगे तैन ही जैसी थी रहा, उन्हां वर्गी बन जावां, उन्हां वर्गी बन जावां। मंगदे हां ना आपां सतगुरु जी तों, सच्चे पातशाह आप जी दी पावन पवित्र अगमी बाणी दा, गुरबाणी दा ज्ञान, गुरबाणी दी विचार, गुरबाणी दी सोच, गुरबाणी वर्गा जीवन, आप जी वर्गा सुभा बख्शिश करो। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जहो जिहा गुरु है तिन ही जैसी थी रहा, जप जप हृदय मुरार। अवगुणी भरपूर है गुण भी वसै नाल, बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे विचार। आ पंक्ति अज लड़ बन के जायो, बिन सतगुर गुण ना जापनी सतगुरु तो बिना, फिर उसे गल आ गई सहज पाठ कीते तो बिना, सहज नाल गुरु दे उपदेश नू जाने तो बिना। बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर जिन्ना चिर शब्द ना करे विचार। जो गुरु जी कहिंदे आ हर जप, हर जप पढ़ गुर शब्द विचार, हर मुख पढ़े गुर शब्द विचार। गुरु दे शब्द नू विचार के, बाणी नू विचार के सानू ओ विधि ओ ढंग ओ तरीका लभना है जो साहब जी ने अज सानू कहा। एक नी सुन के मन्या, एक ना ने गुरु जी दे उपदेश नू सुनिया ते सुन के तुरंत मन लिया। हर उत्तम काम यही भाई सब तो श्रेष्ठ ते महान, तेरे करन योग कम है। अंतर हर रंग उपजया गाया हर गुण नाम, अंतर हर रंग उपजया, रंग का अर्थ है प्यार, अंदर रब्बी प्यार पैदा हो गया। किवें पैदा होया? गाया गाया, गाया का भाव अर्थ समझना प्यार दे नाल। गाया का भाव अर्थ है एक सुर हो जाना, हारमोनीयम तबले की जो आवाज है, गायक जिहड़ा गाउण वाला कीर्तनिया है जो, वो अपनी आवाज में उस हारमोनीयम की आवाज नाल मिला लैंदा, मैच कर लैंदा, मिला लैंदा। जो गुरु जी का उपदेश है उस उपदेश नाल अपने जीवन की रौ रीत नू मिला लेना, यह है बाणी नू गाउणा। बोलो सतनाम, आ बाणी नू गाउणा, आवो सिख सतगुर के प्यारे हो गावो।
सिखो आओ प्यारियो अपने जीवन की रौ रीत गुरु की दसी मर्यादा के नाल मैच करो, मिलान करो भी जो गुरु जी ने कहा मैं वो कर रहा हाँ। साहब जी कहने के अंतर हर रंग उपजिया, इस तरह भाई अंदर रब्बी प्यार पैदा हुंदा हुंदा है। गाया हर गुण रब्बी गुणा नू, रब्बी गुणा नू, रब्बी गुण ही नाम भी हैं। प्यार नाल सुनो समान अर्थी शब्द आपां कहने भी पानी जल नीर आब वाटर H2O ये समान अर्थी शब्द ने। भावें आपां पानी कहीए, भावें जल कहीए, भावें नीर कहीए, भावें आब कहीए, भावें H2O कहीए, भावें वाटर कहीए, उन्हां दा अर्थ सारयां दा इक्को है। इस संदर्भ दे विच भावें आपां शब्द कहीए, भावें आपां नाम कहीए, भावें आपां गुण कहीए, भावें आपां रब्बी प्यार कहीए, ये समान अर्थी शब्द ने। यह एक दूसरे नाल गूढ़े ते पीड़े होए हुए शब्द ने जिन्हां नूं बेहद प्यार नाल सतगुरु जी ने सानू समझाया। गाया हर गुण नाम, रब्बी गुणा नूं गाउणा ही परमात्मा दा नाम है। ओइयां बेंत फुल्लां लिखेवां आखिरी पंक्ति भाई साहिब जी दी रचना करके समाप्ति करिए जी।